हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेचर एंड एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चार्ल्स डिकेंस के जो एक बहुत ही पॉपुलर नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इसका हिंदी में जो है डिस्कशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी नावल का डिस्कशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और दोस्तों, अगर आप नेट सेट JRF TGT PGT वगैरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया है और मैं डेली एक या दो वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आपको बस यूट्यूब पर जाकर MCQS यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एकेडमिक डोमेन टाइप करना है तो मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो नावल को डिस्कस करने से पहले नावल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द नावल डिपिक्स द एजुकेशन ऑफ एन ऑर्फन निकनेम्ड पिप। तो यहाँ पे इस नावल का जो हीरो होता है या जो लीडिंग कैरेक्टर या जो प्रोटैगनिस्ट होता है पिप होता है, वो एक ऑर्फन होता है। तो ये उसके जो है एजुकेशन या उसके जो एक मॉरल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करती है। और दिस इज़ अ बिल्डंग्स रोमन अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन। और ये नावल जो है फर्स्ट पर्सन में नरेट की गई है, यानी आई आई करके शुरू होती है। जो जो लीडिंग कैरेक्टर है जो पिप है वो खुद अपनी स्टोरी बताता है इसमें। और ये एक बिल्डिंग्स रोमन है। बिल्डिंग्स रोमन क्या है, मैंने ऑलरेडी इस पर जो है वीडियो बना दिया है, तो आप बिल्डिंग्स रोमन अकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये पहले जो है ये नावल पहले एक सीरियल में पब्लिश हुई थी जो है जो चार्ल्स डिकेंस का खुद पीरियडिकल था या जिसका मैगजीन कह सकते हैं, जिसका टाइटल था ऑल द ईयर राउंड। ये चार्ल्स डिकेंस के खुद एक मैगजीन थी, उसमें पहले ये पब्लिश हुई थी और 1 दिसंबर 1860 से लेके अगस्त 1861 तक ये पब्लिश हुई थी। और उसके बाद जो है फिर अक्टूबर 1861 में चैपमैन और हॉल ने इसको पब्लिश किया था एक नावल के फॉर्म में, और जो 3 वॉल्यूम में पब्लिश की गई थी। और इस नावल की सेटिंग केंट एंड लंदन सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मेंशन किया है, हालांकि कैरेक्टर्स तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं मगर जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को किया हो। जैसे जो प्रोटैगनिस्ट है पिप है, इसका जो है नाम एक्चुअली फिलिप पिप है मगर इसका नेम पिप है। जो गारगरी पिप का जो है ये सन इन ब्रदर इन लॉ जिसको हम बहनोई बोलते हैं, और मिसेस जो गारगरी पिप की सिस्टर है मिस हैविशम, ये एक सन की वुमेन है। और स्टेला जो है मिस हैविशम के एडॉप्टेड डॉटर है। हर्बर्ट पॉकेट मैथ्यू पॉकेट का सन है और पिप का फ्रेंड है लंदन में। एबल मैगविच एक कन्विक्ट होता है या एक प्रिजनर, हम जिसको एक क्रिमिनल कह सकते हैं। कंपेशन ये भी एक क्रिमिनल होता है। मिस्टर जैगर्स ये लॉयर होता है। और डॉल्जे ऑलिक ये जो का असिस्टेंट है मगर बहुत ही ये बुरा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। और हम अगर इस नावल की समरी को देखें तो ये नावल 1812 में ओपन होती है और ये क्रिसमस की इवनिंग है। और हम देखते हैं कि ये इवनिंग का टाइम है, लगभग ऑलमोस्ट जो है ये शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। और एक ऑर्फन बच्चा होता है 7 ईयर्स का, जो अपने जो वहाँ एक चर्चयार्ड होती है या ग्रेवयार्ड होती है या कब्रस्तान होती है, वहाँ पर जाता है अपने पेरेंट्स के जो है ग्रेव पर जाता है। एक्चुअली ये जो ऑर्फन होता है ये पिप होता है जो 7 ईयर्स का होता है। इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई होती है, इसके सिबलिंग्स की भी डेथ हो गई होती है, तो बस सिर्फ इसकी एक ही सिस्टर बची होती है जो मिसेज जो गारगरी होती है। और इसका कोई नहीं होता है तो इसलिए मिस्टर जो एंड मिसेज जो गारगरी इसको अपने साथ ही रख लेते हैं। तो जब ये 1812 में क्रिसमस की इवनिंग होती है तो पिप अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स की ग्रेव पर जाता है रात में। वहाँ पर वैसे ही पत्थर जो उनका पत्थर होता है ग्रेव पे, उसके पास ही बैठा रहता है। तभी जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रिजनर आ जाता है, यानी एक कैदी होता है या एक क्रिमिनल होता है जो जेल से छूटकर जो भागा हुआ रहता है, और उसके हाथ पाँव में जंजीरें चेन्स वगैरह लगी होती हैं। और उसका नाम जो होता है एबल मैगविच होता है। एक्चुअली यहाँ पे अभी उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है मगर बाद में मालूम होता है कि उसका नाम एबल मैगविच है।
तो जब वो आता है वहां पे, वो पिप को पकड़ लेता है और पिप डर जाता है क्योंकि एक बच्चा होता है, और पिप को डराते हुए कहता है कि जाओ मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ, और मेरे जो है चेन को काटने के लिए कुछ जो है वीपन लेके आओ। तो पिप डर जाता है क्योंकि एक बच्चा होता है ये, और फिर ये जाता है बहुत ईमानदारी से, जो है अर्ली मॉर्निंग कुछ खाने की चीज़ें लेके आता है, और वो जो उसके जो चेन्स होती है उसको काटने के लिए कुछ औजार लेके आता है, क्योंकि इसके जो जो इसका ब्रदर इन लॉ होता है वो एक ब्लैक स्मिथ होता है, तो उसके पास जो है लोहे वगैरह काटने की चीज़ें होती हैं। तो पिप जो है ये लेकर आता है, जो गार्गरी जैसा कि मैंने कहा है कि ये उसका जो है ब्रदर इन लॉ है, ब्लैक स्मिथ है, और मिसेज जो जो पिप की सिस्टर है। तो पिप को पहले डर भी लगता है कि अगर ये लोग देख लिए तो जो है पिप को हो सकता है कि मार भी पड़े, क्योंकि जो मिसेज जो जो उसकी सिस्टर होती है वो पिप को जो है लाइक नहीं करती है, मगर जो उसका ब्रदर होता है, जो उसका ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो होता है, वो पिप के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहता है, उसको लाइक करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फिर अगले दिन देखते हैं कि जो ये प्रिजनर होता है, यानी जो एबल मैगविच होता है, इसकी एक और प्रिजनर से लड़ाई हो जाती है, और उसका नाम हमें बाद में जाके मालूम होगा कि वो कंपेशन होता है, तो उसका नाम अभी भी हम नहीं जानते हैं। तो फिर पुलिस आ जाती है और वो दोनों को जो है फिर से अरेस्ट कर लेती है, और जब अरेस्ट करने लगती है तो फिर वहाँ पर ये बात ओपन होने वाली होती है कि जो है उसके लिए ये चेन काटने के लिए जो वीपन था उसको पिप ने लाकर दिया था, मगर ये जो प्रिजनर होता है एबल मैगविच होता है वो पिप को वहाँ पर बचा लेता है और बोलता है कि वो वीपन उसने खुद जो है चोरी किया था। तो फिर हम यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वो दोनों वहाँ पर जेल में चले जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इस तरह से जो है पिप वहाँ पर अपने फिर जो है बहन और बहनोई के पास ही वहाँ पर रहता है, और फिर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि सेटिंग इसकी चेंज हो जाती है नावल की। एक मिस हैरिसम होती है जो एक सिनिकल वुमन होती है, जो सन की वुमन जिसको हम कह सकते हैं वो होती है, और सैटिस हाउस में रहती है। तो ये सन की उमन इसलिए होती है कि जो है और जब हम इस सैटिस हाउस की बात करते हैं जहाँ पर मिस हैविसम होती है, तो पहले तो मिस हैविसम को कोई एक लड़का चाहिए होता है, कोई एक बच्चा चाहिए होता है, ताकि जो उसके साथ और उसकी डॉटर स्टेला के साथ एक प्लेमेट की तरह रहे, यानी उनके साथ रहे। तो वो जो है पिप का अंकल एक होता है मिस्टर पम्बलचुक होता है, उससे बोलती है, जो इसका रिलेटिव भी होता है मिस हैविशम का भी, तो उससे बोलती है कि कोई जो है कोई लड़का हो जो उसके जो है डॉटर के साथ स्टेलर के साथ खेल सके या उसके साथ रह सके, कोई ऐसा लड़का हो तो बता दे। तो फिर वो मिस्टर पम्बलचुक आकर जो है मिस्टर जो से बोलता है, और फिर पिप वहाँ पर अपना जो है रेगुलर सैटिस हाउस में जाने लगता है मिस हैविसम से मिलने के लिए, और वहाँ पर वो जाता है तो वहाँ पर ये मिस हैविसम और स्टेला रहती है। तो जब वहाँ पे जाता है पिप तो देखता क्या है कि वहाँ पर मिस हैविसम जो है अपने उसी एक जो है वेडिंग ड्रेस में ही हमेशा रहती है, और वहाँ की सारी जो जितनी भी घड़ियाँ हैं, जितने भी क्लॉक्स हैं, सब जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर रुकी हुई हैं, और पूरा जो है उस सेटिंग को अगर हम देखें सैटिस हाउस की, तो ऐसा लगता है कि एक जो है बहुत पहले कोई शादी रही होगी, उसके लिए वो जो है पूरा सजाया गया था, और जो चीज़ जहाँ थी वहाँ पर वैसे ही रह गई थी, और मिस हैविसम भी एक शादी वाले ड्रेस में जो उस वक्त शादी के टाइम पे अपना पहने हुए थी वही अभी भी पहने हुए थी। तो हम जब बाद में हमें चल के मालूम होता है कि मिस हैविसम की शादी के दिन ही उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दे दिया था और वो भाग गया था, तो उसके बाद से इस तरह का मिस हैविसम का बिहेवियर हो गया था कि जो है वो स्टेला को इस तरह से जो है पालती थी, इस तरह से उसकी परवरिश करती थी कि वो सारे मर्दों से सारे लड़कों से जो है नफरत करे, उनका जो है दिल तोड़े। तो चूंकि वो एक उसके अंदर एक रिवेंज की भावना हो गई थी मिस हैविसम के अंदर कि जो है उसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो दुनिया के हर मर्द के साथ या हर लड़के का जो है दिल तोड़ेगी। तो फिर जब वहाँ पर ये पिप जाता है सैडिस हाउस में मिस हैविसम के पास, तो पिप जो है जब स्टेला को देखता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची होती है, तो पिप को उससे प्यार हो जाता है, मगर स्टेला की चूंकि परवरिश ही ऐसे हुई है, मिस हैविसम ने उसकी परवरिश ऐसे किया है,
कि वो सभी बच्चों का दिल तोड़े। तो एस्टेला का जो रवैया होता है पिप के लिए बहुत ही रूड होता है, बहुत ही कोल्ड होता है, तो पिप को कभी कभी बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करे जो है वो भी अपने दिल से मजबूर होता है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो है पिप को एस्टेला से प्यार करता है मगर वो उससे जो है प्यार नहीं करती है। तो ये सिलसिला जो है कई महीनों तक रहता है, पिप वहाँ पर जाता रहता है, अक्सर जो विजिट करता रहता है, और इसके दिल में ये कहीं ना कहीं ये होता है कि जो है चूँकि ये मिस हैविशम एक बहुत ही जो है अमीर वुमन होती है, और पिप सोचता है कि ये भी जो है पढ़ लिख कर एक जेंटलमैन बनकर ये भी तो उस लेवल का हो जाएगा ताकि वो स्टेला से शादी कर सके। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर है डॉल्चे आली, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक अच्छा आदमी नहीं है, बहुत बुरा आदमी होता है, ये जो का असिस्टेंट होता है, ये पिप से बहुत चलता है और बहुत ही बैड टेम्पर टाइप का आदमी होता है। और जो है हम देखते हैं कि इसका जो बिहेवियर होता है ये मिसेस जो के साथ भी अच्छा नहीं होता है। तो एक बार क्या होता है कि जब पिप और मिस्टर जो जब ये लोग कहीं बाहर होते हैं तो डॉल्जे आर्लिस जो है पिप की बहन मिसेस जो पर अटैक कर देता है, उसके सर में किसी चीज़ से मार देता है, और उसके बाद जो है वो बोल नहीं पाती है, यानी हमेशा के लिए वो इनवैलिड यानी बोल नहीं पाती है और कुछ काम भी नहीं कर पाती है, इस तरह हो जाती है। तो वो बोल नहीं पाती कि उसको किसने मारा है, मगर उसके इशारे से पिप को मालूम हो जाता है कि डॉल्जे आर्लिक ने ही ऐसा किया है उसके साथ। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो कुछ अपना कर नहीं पाती है तो एक पिप की जो स्कूल मेट होती है जिसका नाम बिट्टी होता है, वो वहीं पे जो है उसी इलाके में रहती है, तो वो आ जाती है पिप के घर में ताकि उसकी देख रेख कर सके, मिसेज जो की देख रेख कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ये जो सेटिंग हो गई है, यानी ये अभी सेटिंग मिस्टर जो के घर में और सेटिस हाउस है जो मिस हैरिसम का घर था, ये अभी सेटिंग यहीं पे है नावल की। तो ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा कुछ दिन चलता रहता है और लगभग ये ऑलमोस्ट 4 साल के बाद, और चूंकि जब मिस हैविशम के पास वो पिप जाता है तो फिर मिस हैविशम क्या करती है बाद में, वो जो है मिस्टर जो से बोलती है, जो पिप का ब्रदर इन लॉ होता है, बहनोई होता है, उससे बोलती है कि पिप को जो है अपने साथ रख के ही काम सिखाओ, यानी ब्लैक स्मिथ का जो काम है उसको वही सिखाओ। तो पिप को बहुत बुरा लगता है, हालांकि वो सोचता था कि मिस हैविशम उसकी हेल्प करेंगी कि वो पढ़ लिख के एक जेंटलमैन हो जाए ताकि एस्टेला से शादी कर सके, मगर उसका दिल यहाँ पर टूट जाता है। तो लगभग 4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो फिर अचानक पिप को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक मिस्टर जैगर्स होता है जो एक लॉयर होता है, वो पिप को आकर इन्फॉर्म करता है कि उसको जो है एक अननोन आदमी ने बहुत ही पैसा जो है पिप के लिए दिया है, और ताकि जो है पिप पढ़ लिख कर एक अच्छा जेंटलमैन बन जाए। तो फिर पिप को ऐसा लगता है कि जो है हो सकता है कि ये पैसा जो है मिस हैरिसन ने दिया हो सकता है कि मिस हैरिसन अभी सुधर गई हो, उसने ये पैसा जो है दिया हो उसको, ताकि जो मैं पढ़ लिख के एक जेंटलमैन बन जाऊँ, एक एजुकेटेड पर्सन बन जाऊँ, ताकि मैं स्टेला से शादी कर सकूँ। तो पिप ये ऐसा सोचता है, और जो लॉयर होता है ये बोलता है कि इसके लिए पिप को जो है लंदन जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर रहकर वो अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन हासिल कर सके। तो लंदन जाने से पहले पिप जो है मिस हैविशम के पास जाता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो उसका बेनिफैक्टर है, जो उसको पैसा दिया है, वो कोई और नहीं बल्कि मिस हैविशम ही है। और मिस हैविशम इस तरह से बिहेव करती है उसके साथ कि जो वो ये महसूस कराने की कोशिश करती है कि पैसा उसी ने ही उसको दिया है। और फिर हम देखते हैं कि मिस हैविशम से मिलने के बाद फिर चला जाता है लंदन, और लंदन में जाके वहाँ पर एक बर्नार्ड्स इन होती है, वहाँ पर ये जाके जो है अपना रहने लगता है, और वहाँ पे एक और पर्सन होता है जो हर्बर्ट पॉकेट होता है, जो पिप के ट्यूटर का बेटा होता है, पिप के ट्यूटर का नाम मैथ्यू पॉकेट है, उसका ये क्या होता है सन होता है, बेटा होता है, और ये मैथ्यू पॉकेट जो है मिस हैविशम का कजिन होता है। तब तो वहाँ पे हर्बर्ट और पिप जो है एक साथ बर्नार्ड इन में रहने लगते हैं, तो ये एक फ्रेंड भी हो जाते हैं। और वहाँ पर जो है पिप से, जैसे पिप है, हर्बर्ट पॉकेट है, वेमिक है, और एक आध दो और जो है पिप के वहाँ पर फ्रेंड हो जाते हैं। और जब चूंकि पिप को पैसा मिलने लगता है,
उसकी एजुकेशन के लिए उसके लिए उसको पैसा मिलने लगता है, तो बिल्कुल वो पैसे की कोई फिक्र नहीं करता है और बहुत ही लेविश लाइफ, बहुत ही ऐश भरी ज़िंदगी गुजारने लगता है वहाँ पर। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ही डेप्ट में पड़ जाता है, बहुत ही कर्जदार हो जाता है। और फिर वहाँ जाने के बाद जब वो उसकी लाइफ बिल्कुल मस्ती से चलने लगती है, तो फिर वो अपने भानोई को, जो मिस्टर जो होता है, जो उसके साथ बहुत ही काइंड था, बहुत ही फ्रेंडली था, जो पिप को बहुत चाहता था, उसको भी वो भूल जाता है पिप वहाँ पे जाके। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही वो लंदन में ही रहता है, काफ़ी दिन हो जाता है, और जब वो 30 साल का हो जाता है, तो 23 साल का हो जाता है, तो उसके बाद वो वहीं पे रहता है, तो अचानक एक आदमी आता है उसके वहाँ उसके कमरे में। तो पिप तो पहले डर जाता है कि ये कौन है, मगर फिर पहचान जाता है कि हाँ ये वही आदमी है जो उसको वहाँ पे ग्रेव यार्ड में यानी कब्रस्तान में मिला था। तो उसका नाम जो है एबल मैगविच होता है। अब हम उसका नाम जानते हैं, तो मैंने पहले ही आपको इसका नाम बता दिया था। मैं फिर मैगविच फिर एबल मैगविच उससे बताता है कि उसको जो बेनिफैक्टर है यानी जो पिप को पैसा देता है, वो मिस हैरिसन नहीं बल्कि एबल मैगविच ही देता है। और ये फिर अपनी स्टोरी बताता है उससे कि जब इसको जो है पकड़ लिया गया था वहाँ पे ग्रेवयार्ड के पास, फिर उसको जो है उसको ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद जो है वो फ्री हो गया था मैगविच, और फिर वहाँ पर उसने बहुत मेहनत की और उसके बाद जो है उसने बहुत ही पैसा कमा लिया था। और उसने पिप से कहा कि जो है इसके इस सक्सेस के पीछे, जो एबल मैगविच की सक्सेस थी, जो उसने पैसा कमाया था ना, उसके पीछे जो है पिप का ही मोटिवेशन था। क्योंकि जब वो पिप से मिला था तो पिप 7 साल का एक बच्चा था और पिप ने उसकी मदद की थी, तो तभी से एबल मैगविच ने ये सोच लिया था कि जो है अब वो फिर बहुत मेहनत करेगा, बहुत पैसा कमाएगा और पिप को एक अच्छा जेंटलमैन और एजुकेटेड आदमी बनाएगा। तो फिर अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से एबल मैगविच आता है पिप से मिलने के लिए, और ये समझता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हालांकि इंग्लैंड में एबल मैगविच की जान पे खतरा है, मगर तब भी वो पिप से मिलने के लिए यहाँ पर आता है, अपनी लाइफ को जो है डेंजर में लाकर भी यहाँ आकर पिप से मिलता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसकी इस सक्सेस के पीछे कौन है, पिप ही है। और फिर पिप पहले तो डर जाता है और जो है फिर मना कर देता है कि नहीं मुझे तुम्हारा पैसा अब नहीं चाहिए, मगर फिर जब वहाँ पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते जब वहाँ पे मैगविच रहता है, तो फिर पिप को ये एहसास होता है कि मैगविच जो है एक अच्छा आदमी है, उसके साथ गलत हुआ है। तो फिर पिप है, हर्बर्ट है या उसके एक दो और फ्रेंड हैं, तो ये सोचते हैं कि इसको मैगविच को कैसा भी इंग्लैंड से निकाल दिया जाए, यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। और फिर यहाँ पर मैगविच उसको पिप को बताता है कि जब बचपन में यानी जब पिप वहाँ पे था, जब हम नावल के शुरू में देखते हैं कि पिप वहाँ कब्रिस्तान में होता है, तो जब वो मैगविच को खाना वगैरह ला के देता है, तो अगले दिन मैगविच के एक और क्रिमिनल से जो है झगड़ा हो जाता है, लड़ाई होती है। तो यहाँ पे मैगविच उसको बताता है पिप को कि जिससे उसकी लड़ाई हुई होती है वो कंपेशन होता है, और कंपेशन कौन होता है, जिसने मिस हैविसम को शादी के दिन जो है धोखा दिया था। तो यहाँ पर वो पिप से ये बात बताता है, पिप को अभी तक ये बात मालूम नहीं होती है। और फिर जो है जब यह बात पिप को मालूम हो जाती है कि उसको जो उसका जो बेनिफैक्टर है यानी जो पिप को जो हेल्प करता है, जो पैसा देता है, वो मिस हैविसम नहीं बल्कि जो है एबल मैगविच है, तो फिर पिप वहाँ से लंदन से सेटिस हाउस को आता है और वहाँ पर मिस हैविसम को से वो बोलता है कि जो है आपने मुझे मिसलीड करने की कोशिश की। क्योंकि पिप को ऐसा लगता था कि मिस हैविसम पैसा दे रही है, और वो लंदन जाने से पहले मिस हैविसम से एक बार मिलता भी है, और मिस हैविसम ये रियलाइज़ नहीं होने देती है कि वो उसको जो है पैसा नहीं दे रही है। तो वही जब उसको मालूम हो जाता है हकीकत, तो आकर जो है मिस हैविसम से बोलता है कि तुमने मुझे मिसलीड किया। और मिस हैविसम जो है इस बात को एडमिट भी करती है और पिप से जो है माफ़ी भी मांगती है। तो और फिर जो चूँकि मिस हैविसम पिप से इसके लिए भी माफ़ी मांगती है, और जो स्टेला को जो वो भड़काती रहती थी पिप के खिलाफ या सभी लड़कों के खिलाफ, उसके लिए भी वो पिप से माफ़ी मांगती रहती है। और फिर जो है पिप का प्यार अभी भी स्टेला के लिए होता है, और स्टेला से वो जो है आकर प्रपोज करता है स्टेला को,
मगर स्टेला क्या करती है, उसके प्यार को, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और उससे बोलती है कि वो ड्रमल से शादी करने वाली है। ड्रमल एक और करेक्टर होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया था। तो फिर जो है पिप का दिल यहाँ पे टूट जाता है और ये जो है फिर लंदन जाने लगता है। मगर जैसे ही वो सेटिस हाउस जैसे छोड़ने वाला होता है तो हम देखते हैं कि जो है तभी वहाँ पर आग लग जाती है, क्योंकि मिस हैविशम के कपड़ों में आग पकड़ लेती है और फिर पिप जो है उसको बचाने लगता है। और उसको बचाने में जो है पिप को भी थोड़ा बहुत इंजरी आ जाती है, ये भी थोड़ा बहुत जल जाता है और मिस हैविशम जो है अच्छी खासी जल जाती है। और फिर जो है कुछ दिनों के बाद मिस हैविशम की डेथ हो जाती है। और फिर जो है पिप फिर यहाँ पे जो है वो लंदन आ जाता है वहाँ से सेटिस हाउस से। और जो पिप है या जो हर्बर्ट हैं और इसके जो दो तीन फ्रेंड्स होते हैं, वेमिक होता है, ये सब मिलकर एबल मैगविच को बचाने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसा भी लंदन से उसको जो है बाहर निकाल दिया जाए। तो और फिर जो है पिप जो है उसके बाद क्या होता है, जैसे ये लोग जो है उसको यानी समंदर के रास्ते से लेकर जाना चाहते हैं, जब तक जो है समंदर में एक और बोट आ जाती है, वो पुलिस की बोट रहती है और उस पर जो है कंपेशन भी होता है। कंपेशन वो है जिसके साथ जो है एबल मैगविच का झगड़ा हुआ था। तो पुलिस जो है कंपेशन को इसलिए लिए रहती है ताकि वो जो है मैगविच को पहचान सके। तो वहाँ पर जो है दोनों में मुठभेड़ हो जाती है, फिर मैगविच और कंपेशन लड़ाई करने लगते हैं उसी में, और मैगविच भी उसमें घायल हो जाता है और कंपेशन की डेथ हो जाती है, वहाँ पर डूब जाता है वो। और फिर उसके बाद जो है मैगविच को पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है और वहाँ पर वो जो है इसके जेल के या प्रिजन के हॉस्पिटल में रहता है। और पिप वहाँ पर उसको मैगविच को अक्सर देखने जाता रहता है। और फिर जब पिप को मालूम होता है कि जो स्टेला है वो मैगविच की बेटी है, तो पिप जो है मैगविच को वहाँ पे इन्फॉर्म करता है कि स्टेला अभी भी ज़िंदा है। तो मैगविच ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हर्बर्ट है, पिप का फ्रेंड है, जो जिसके साथ पिप रहता था, वो कायरो इजिप्ट यानी जो है मिस्र जाने लगता है, वहाँ पे चला जाता है। और उसके बाद जो है देखते हैं कि पिप की जो तबीयत थोड़ा गड़बड़ होने लगती है, वो बीमार होने लगता है। और फिर यहाँ पे जब वो बीमार होता है तो उसका जो ये होता है, जो उसका बहनोई होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, जो होता है, वो खुद आता है पिप की देखभाल करता है। तो पिप को यहाँ पे ज़रा शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि उसने जो है जो को जो की तरफ कभी देखा नहीं, उसने उसको कभी समझा नहीं लंदन आने के बाद। मगर इसके बावजूद भी जब वो बीमार हुआ तो जो आके ही उसकी देखभाल करता था और जो भी उसके कर्ज वगैरह थे जो नहीं उसको चुकाया था। और फिर जब पिप अच्छा होने लगता है तो जो वापस चला जाता है घर पे। और फिर जब पिप अच्छा हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि वो जानता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो है शादी तो ड्रमल से हो गई है, मगर अब बीडी बची है, तो जाकर जो है बीडी से शादी करने के लिए घर जाता है। और जब वो घर जाता है तो उसको मालूम होता है कि बीडी की शादी ऑलरेडी जो से हो गई है, वो मिसेज जो बन चुकी है। और फिर जो है फिर वहाँ से जो है एक बार फिर पिप का दिल टूट जाता है और फिर वो वापस लंदन आता है। उसके बाद फिर चला जाता है कायरो को, यानी जहाँ पर हर्बर्ट पहले गया था इजिप्ट में, मिस्र में, वहाँ पे फिर चला जाता है और वहाँ पर मेहनत करता है, पैसा कमाता है। और फिर 7 ईयर्स के बाद, 7 साल के बाद फिर आता है और सेटिस हाउस को जाता है, जहाँ जो मिस हैविशम का घर था। और जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि पूरा जो है वहाँ पर एक वीरान जैसा पूरा है सेटिस हाउस। और वहाँ पे स्टेला जो है उसके गार्डन में, जो गार्डन भी पूरा जो है अच्छी तरह से बना नहीं है, पूरा उजड़े हुए तरह का है, वहाँ पर एस्टेला ऐसी बैठी हुई है। तो फिर पिप को मालूम होता है कि एस्टेला अब जो है विडो हो चुकी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसके हस्बैंड का जो बिहेवियर था एस्टेला के साथ अच्छा नहीं था। तो अभी जो है पिप फील करता है कि एस्टेला के बिहेवियर में बहुत ही चेंज आ गया है। पहले एक बहुत ही हॉटी टाइप की लड़की थी, पहले बहुत ही जो है उसके साथ रूड रहती थी, मगर अब जो है उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली हो गया है। और फिर अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पिप और स्टेला एक दूसरे का हाथ थामे हुए उस सेटिस हाउस से बाहर निकलते हैं। चांदनी रात होती है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है और इससे ये लगता है कि अब दोनों जो है एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे।